been third episode of Mahindraland Trip. So, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और आपको पहले ये दोनों एपिसोड का कुछ नहीं पता, सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेक श्योर वो दोनों एपिसोड देखिएगा, बिकॉज वी क्रिएटिंग स्टोरी वाइज वीडियोज, तो वो पिछली स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली हैं, पर सारे देखने वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, अभी तक आप अप्रिशिएशन मुझे मिली है, थैंक्स टू गॉड। सो मेक श्योर आप वो वाली एपिसोड देख लेते। चलो दोनों का धनी, पर सेकंड एपिसोड का छोटा सा टीजर मैं दिखाता हूँ, सो वो टीजर देख लो, उसके बाद ये वाली एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। इन दोनों एपिसोड का आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, से इससे पहले या इसके बाद, जैसे आपका दिल चाहे, मेक श्योर आप वो भी देखिएगा। सो आप उसका टीजर देखें, फिर ये थर्ड एपिसोड को भी कैरी ऑन करते हैं। Today I am wearing this grey jeans. On top of that, I am wearing this blue and grey faded shirt, जो मैस्ट्रो हो गई है, लेकिन नहा के पहनेंगे तो ठीक हो जाएगी। इसके नीचे हम पहनेंगे ब्लू स्नीकर्स, जो बारिश की वजह से ऊपर बैग था तो गीले हो गए हैं, लेकिन इसका जुगाड़ मेरे पास है वो भी बताऊँगा। दिस इज़ माई नेकलेस, दिस इज माई वॉच एंड दिस इज माई ब्रेसलेट। सबके रंगों को बढ़ाने के लिए एक अच्छी ग्लासेस, एज ऑलवेज कुछ कैजुअल रिंग्स। Let's go. अगला फ्लो आएगा दोबारा से हम करेंगे, उसको हम रिवर्स कर देंगे ट्रांजिशन। अच्छा इस साइड पे आओगे ना, ऊपर लगेज के ऊपर ना तरपाल रखी भी होगी, लेकिन आपके शूज मोस्टली चांसेस है कि गीले हो जाए, तो उसका बेहतरीन हल है जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। डू लाइक दिस, अगर आपको भी चाहिए जुगाड़, वो भी शॉपर पकड़ो, सॉक्स के ऊपर ऐसे करके शोपर पहनो, फिर शूज पहनो, तो जितना जितना शोपर बाहर आ रहा है शूज से, उतना ना शोपर फाड़ दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे सॉक्स भी बच रहे, तुम्हारे पाँव को ओल्ड स्कूल सीध भी पहुँचे नहीं पहुँचेगी, और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। इतनी तंगी क्यों उठानी कि वो ही शूज क्यों पहनने, ऑप्शन और भी है, लेकिन मैचिंग करनी है ना, फ्लैक्स दो। So this is the life hack. Try it. Perfect. This is the OTT of today. But let's go ab nasta kare. Good morning from Siripai. Sir, ye Naran ka gaana hai abhi. Jo bol raha hai. Abhi Naran ka gaana hai. Aur ye scripted tha. So perfect. It's time to check out from this hotel. Hamara samaan bhi pack ho gaya, gaadi bhi ready ho gaya. Ab hum yahan se jayenge सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हमारा है शुक्रान सीरी पाए, सीरी नीचे है और पाए ऊपर है, उसका रीजन भी उधर जाकर मैं बताऊंगा स्टोरी ऑथेंटिक पता करके। सो लेट्स गो। So we take short break for namaz, जो उनसे नमाजी थे वो चले गए, thanks to God, हमने भी होटल से निकलने से पहले ही नमाज अपनी दुआ की है, शुक्र है खुदा का। अब हम जा रहे हैं इस ट्रिप पे, मैं किसी भी पुल पे नहीं गया, तो अब हम वो कर रहे हैं ऑफ रोडिंग और पुल के सीन ये है, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं एंजॉय करो, डेफिनेटली वी डू दैट। बस से निकल के हम जीप में बैठ गए, ये हमारे सारे जीप के सीन है, पीछे सारे बॉयज भी बैठे हैं, अब हम जाएंगे सीढ़ी पाए और उधर के टाइम लैप्स मैं दिखाता हूँ। दिस इज अ क्विक सिचुएशन ऑफ गाड़ी, अगर ठंडी हो जाए या गर्म हो जाए ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सुपैर।
जुबैर भाई हमारे ड्राइवर है और रास्ते का मंजर ये है फुल ऑन ब्रेक। ऑपरेशन ब्रो डीजल हम एक्स्ट्रा स्टोर कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स। ये फर्स्ट ऐप है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा सीढ़ी पाए, सीढ़ी नीचे है और पाए ऊपर है। उसकी वजह क्या है अभी तक कुछ लाता है को नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका इंटरप्ट करके गूगल में से आपको देख के बताता हूँ। Pei Lake is situated in center of meadow in Pei, near Shogren in Kagan Valley, Khyber Pakhtunkhwa, the province of Pakistan. It is located at the height of almost 2,895 meters. Wikipedia surface elevation, 2,895 meters. अभी तक जो देखा वो सिर्फ ब्यूटी थी, अब ये नहीं कह सकता कि ट्रेलर शुरू हुआ था, अब वो होगा आगे सही ऑफ रोडिंग ओरिजिनल। तो उसके लिए गेट रेडी, मैं भी क्योंकि हो गया हूँ, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी करेंगे। हम में से सिर्फ उस्ताद जी ने किया हुआ था, ये साहब ने सिर्फ ऊपर का ट्रैक देखा हुआ है, बाकी सारे हम सारे अननोन हैं। ये पता है कि थोड़ा बहुत रिक्स है, खतरा है, लेकिन सुपर एडवेंचर। मैन वर्सेस वाइल्ड, आर यू रेडी? यस यस, लेट्स गो। सीन है जी, आगे से अगर तो ये आ गई गाड़ी तो बेबी उसको रुकना पड़े या हमें रुकना पड़े। आगे हम रुके थे, अब हमारे लिए कोई और रुका है। गुड सीन। देख रहे हैं आप, ये कहलाती है सीढ़ी। हम जा रहे हैं ऊपर, इससे भी ऊपर पाए पे, सीढ़ी नीचे पाए ऊपर। सो वेलकम इन सीबाई। इतना फास्ट है, मेरे पास टाइम कम है, लाइट कम हो गया, शूट कुछ करना है, मैं वो दिखाता हूँ आपको कि क्या शूट कर रहे हैं। ओ बड़ी यहाँ पे भाग रहा हूँ मैं। हालेलुया। वो सीढ़ी है और ये पाए हैं और इसका नजर मंजर ये है।
आमीन आमीन सुमा आमीन। आपके हम बिल्कुल करीब हैं, हम ऊपर नहीं आना चाहते, हम नीचे जाना चाहते हैं। बाद में मिलते। आ गया जी। ओके जी। इससे ज्यादा खूबसूरत सनसेट मैंने अभी तक अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, पर खुदा लाजमी दिखाएगा। शुक्र है खुदा का लाख लाख के ये मंजर दिखाया, इतनी तफीक दी कि सेफली ऊपर आए, और ईमान है कि नीचे भी सेफली जाएंगे। सो साइनिंग ऑफ खूबसूरती, थैंक यू खुदा, थैंक यू जीसस। चलो चले नीचे। तो परफेक्ट, ये है सारे ब्यूटी सीन्स के बिहाइंड द सीन्स। ये आप ऊपर जितना मजे एंजॉय कर लो, बाद में हमारी ऐसे कहती की लेट आने की, तो ये चीज सफर करनी पड़ती। ट्रैक तो जो है ये है, अब लाइट जाने के बाद मैं क्या बेटी, नेचर आपसे रिवेंज भी लेती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सर्दी भी पड़ती जा रही है। अगर आप ये देख के आए तो मेक श्योर आप चार बजे से पहले आए, तब आपको पूरे ऊपर से ग्लेशियर भी नजर आएंगे, सनसेट होता भी नजर आएगा, और सारी बेस्ट पार्ट तभी है। हमने भी अच्छी चीजें रिकॉर्ड की है, तो कुछ ज्यादा ट्राई नहीं करेंगे। शुक्र रखता है खैर से नीचे जा रहे हैं, बाकी चीजें बस में बैठ गए क्योंकि मिल्क शेक बन रहा है हमारा यहाँ पे अच्छे वाला, बाकी भाइयों को भी दिखा दो आप। अके मार सूफी, अके मार। तो परफेक्ट, डेढ़ घंटा जाने का और डेढ़ घंटा आने के बाद ऊपर हम सिर्फ 10 से 15 मिनट रुक चुके, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा अंधेरा होना शुरू हो गया था बाद की के रास्ते के, मैंने आपको मंजर दिखाया। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी कॉमन चीज़ हर किसी के साथ होती है कि इतनी ऊंचाई से आएंगे ना तो आपके कान बंद होना शुरू हो जाएंगे, दर्द, इनफैक्ट दर्द तक होना शुरू हो जाएगी। तो डोंट बी पैनिक, ये चीज़ नेचुरल है। हमारे क्रू में कुछ डॉक्टर्स भी हैं और कुछ मेडिकल हैं जिनके अपने मेडिकल स्टोर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि टेक इट ईजी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक चीज़ हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट 15 से 10 मिनट में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब हम यहाँ से अभी कुछ नहीं खा रहे क्योंकि यहाँ का खाना हमें पसंद नहीं आया, तो यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं, फिर आगे जा आगे किसी अच्छी जगह पर कुछ खाते हैं। बड़ी भूख लगी, मेल शेक हमारा अच्छा वाला बन गया, तो दैट इज, चलते हैं। खाना तो बाद में खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, तो उसका ये जुगाड़ अच्छा है। सो चीयर्स। पहली दफ़ा इनकी दूध पत्ती मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। हेलो, सो परफेक्ट, थर्ड एपिसोड को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। ऊपर से सीढ़ी पाए का सारा सफ़र और इतना ज़्यादा इधर पे भी आके लाहौर पे आके सुबह सुबह जब हम रुके, उधर की सर्दी और यहाँ की गर्मी जब मिक्स हुए ना, वो फीलिंग नहीं बता सकता, इसलिए वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। सो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। सो अगर आई विल हाईली रिकमेंड, अगर अभी तक बने हुए थे और पहली एपिसोड नहीं देखी, सो मेक श्योर ये दोनों एपिसोड देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब आगे उधर क्योंकि कोई खास चीट मिल नहीं करी, तो लाहौर में
एंड वाली मैं चीट मील सुनने लगा। आई स्टार्टेड फूड व्लॉग्स अगेन। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मेरे चैनल पे आपको बहुत से डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के अच्छे अच्छे फूड व्लॉग्स मिल जाएंगे और लिटिल बिट डेली लाइफस्टाइल और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। सो मेक श्योर आप मेरा चैनल विजिट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ।